अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। सो गाइस, आज मैं और मेरी बहनें हम लोग सब साथ में आउटिंग के लिए आए हैं। ऑफ कोर्स पीयू भी आई है हमारे साथ, और यहाँ पे आते ही उसे पानी प्यास लग गई थी तो वो पानी पी रही है। और हम लोग यहाँ पे मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं कि क्या मंगवाना है, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ईद के बाद कहीं पे डिनर लंच के लिए जाएंगे। डिनर तो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि रात में नहीं निकल पाते, लेकिन लंच के लिए हम लोग आने वाले थे। तो आज ये फाइनली प्रोग्राम बना है और फिर आज हम लोग आए हैं। और यहाँ पे देखिए, आज जिसे जो जो खाना है सबने मन भर कर ऑर्डर किया है। तो हम लोग सबसे पहले ये चिकन 65 ऑर्डर किए थे, जो कि सब मतलब आजकल सबसे बेस्ट फूड यही था कि ये चिकन 65, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, क्रिस्पी था और अच्छा लगा खाने में। इतना अच्छा लगा कि मैंने घर आकर सबसे पहले इसका रेसिपी चेक किया और बनाई भी। सॉरी, मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं खुद से पहले परफेक्ट बनाऊँ, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उसके बाद हम लोगों ने नूडल्स भी ऑर्डर किया था क्योंकि साथ में पीहू आई है तो उसे नूडल्स तो वो वही खाती है, उसके अलावा वो कुछ नहीं खाती है। तो उसे बस आप देख कर छोड़ दीजिए, मोबाइल में उसको कोई कार्टून लगा देते हैं और वो आराम से बैठ कर अपना फूड खुद से इन्जॉय करती है। तो उसे नूडल्स बहुत पसंद है तो हम लोगों ने वही ऑर्डर किया था। और यहाँ पे हाफ प्लेट का कोई ऑप्शन नहीं था तो हम लोगों ने फुल प्लेट ऑर्डर किया। हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग भी खा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीयू ने डाल दिया अपना फेवरेट रेड सॉस, क्योंकि उसे ये बहुत पसंद है चिली सॉस। और उसके बाद वो अपना फूड इंजॉय कर रही है मोबाइल देखते देखते। और हम लोगों ने भी यहाँ पे खाया नूडल्स, जो कि बहुत टेस्टी था, अच्छा लगा। बस वेजिटेबल्स कुछ ज़्यादा ही रख भरा हुआ था। मैं तो जब भी कहीं पे नूडल्स ऑर्डर करती हूँ ना, या तो हम पहले ही बोल देती हूँ मैं कि वेजिस ज़्यादा ना डालें, क्योंकि प्योर वेजिटेबल्स वाला ज़्यादा रहता है ना तो वो नहीं खाती, वो सारा साइड कर देती है। तो इसलिए मैं पहले ही बोल देती हूँ कि वेजिस कम डालिएगा। और साथ में हम लोगों ने मंगाया था चिकन रोल, क्योंकि सीजन्स का चिकन रोल हम लोग कभी मतलब ट्राई नहीं किए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, जो कि बहुत टेस्टी था। और साथ में ही हम लोगों ने मंगाया था ड्रम स्टिक, तो ये भी अच्छा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉसी था, मतलब थोड़ा मीठा मीठा टेस्ट कर रहा था। तो ये मुझे उतना खास नहीं लगा, जब मैंने पहली बार ट्राई किया था तो ये बहुत टेस्टी था, लेकिन वो मैं 5 साल पहले ट्राई की थी। अभी शायद कुक चेंज हुए होंगे या फिर पता नहीं, उतना अच्छा नहीं लगा। और साथ ही हम लोगों ने ऑर्डर किया था लच्छा पराठा और नान भी ऑर्डर किया था, लेकिन हम लोगों ने सोचा सबसे पहले लच्छा पराठा ट्राई करते, जो कि एपिक फेल था गाइस। लच्छा पराठा के नाम पे ये तो मजाक ही था, क्योंकि लच्छा पराठा तो इतना जूसी, इतना मतलब मज़ेदार होता है, इतने लच्छेदार होता है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको लच्छा ही देखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि ये कच्चा कच्चा था और ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने खाया, क्योंकि फूड वेस्ट नहीं करना था, क्योंकि इसके लिए हम लोग पे किए हैं तो फूड वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हम लोगों ने कहा कि चलो जैसे तैसे इसे खा कर ख़त्म कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने नान इन्जॉय किया, जो कि बहुत अच्छा था। तो बटर नान हम लोगों ने ऑर्डर किया और उसे भी खाया, और ये देख सकते हैं ये बटर नान कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ना। और साथ में हम लोगों ने ग्रेवी वाले चिकन चिल्ली ऑर्डर किया था। आज हम लोग स्पेशली सिर्फ चिकन खाएगा इस, मतलब सारा आइटम चिकन का। तो सोनम ने मुझे कहा भी आप ही चलो पनीर का कुछ मंगा लेते, मैंने कहा कोई पनीर वनीर नहीं, आज सिर्फ चिकन खाना है। और हम लोगों ने चिकन के अलग अलग आइटम्स मतलब ऑर्डर किए थे। और साथ में हमारा लास्ट में आया ये डिज़र्ट, जो कि हमारा मोस्ट फेवरेट था, ये गुलाब जामुन विथ आइसक्रीम का कॉम्बिनेशन, माई फेवरेट कॉम्बिनेशन। तो गाइज मुझे ये बहुत पसंद है और हम लोगों ने इसे ही ऑर्डर किया था, और ये बहुत टेस्टी था। और हमने अपना डेजर्ट बहुत अच्छे से इंजॉय किया। मैंने पीयू को भी पूछा, लेकिन पीयू को नाम सिवाय नूडल्स का उसे कुछ नहीं पसंद आता है। उसने कहा कि मैं नहीं खाने वाली मामा, मेरे को नहीं पसंद है। तो हम लोगों ने अपना डेजर्ट इंजॉय किया, बातें की, और फिर अच्छा टाइम स्पेंड हुआ हमारे साथ, हम लोगों के साथ। हम लोग सब बहने थे और हम लोग ने अपना एक साथ हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, हम लोग बहुत इंजॉय किए थे। पीयू को लाने का कोई प्रोग्राम नहीं था क्योंकि हमारा प्रोग्राम था सिर्फ यहाँ पे आकर सिर्फ लंच करने का, लेकिन पीयू ने कहा कि मामा मेरे को भी जाना है, तो हम लोग साथ में उसे ले आए हैं। और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ से हम लोग चलेंगे निगम पार्क, क्योंकि छोटी बच्ची आई है तो उसे थोड़ा सा एंजॉय करवाना तो बनता ही है। तो टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, और अब्बू को भी हम लोग बोल कर आए थे कि 7 बजे तक, अम्मी को बोल दिए थे कि 7 बजे तक हम लोग घर वापस आ जाएंगे, तो हमारा जल्दी हो गया था, तो हम लोग निगम पार्क के लिए निकल गए हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोग निकल गए हैं, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कैब वगैरह की अगर मिल जाएगा तो फिर हम लोग चलेंगे। तो ये देख सकते हैं ये है टुक टुक, इसे यहाँ पे टुक टुक बोलते हैं, तो इसे ही हम लोगों ने रोका और अपना डिसाइड किया कि कहाँ जाना है, उसके बाद हम लोग चल पड़े। सो गाइस बता दूँ कि हम लोग आए थे सीजन्स रेस्टोरेंट, जो कि लालपुर में है, और यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है गाइस, बहुत अच्छा लगता है, पर्सनली हमारा तो फेवरेट है। अगर आप चाहो तो आ सकते हो।
और ये देखिए हम लोग आ गए हैं निगम पार्क, जहाँ पे वो आते ही इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। मतलब सबसे पहले मामा मेरे को जाना है, मतलब टिकट भी नहीं करवा पाई थी मैं। फिर मैंने कहा कि नहीं हाँ आप करवा लो, मैं जा रही हूँ अंदर। और उसके बाद वो लोग टिकट करवा रही थी और पीयू मुझे खींच कर ले आई है मिकी माउस में, जो कि उसका फेवरेट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आए मैं और यहाँ पे तो मैंने टिकट भी नहीं ली और पीयू बस अंदर चली गई अंदर। फिर मैंने कहा भैया आप जाने दें, मैं टिकट करवा कर आ लेती हूँ। उसके बाद देखिए पीयू को ये इतना प्रो हो गई है ना इस चीज़ में कि वो बस आई और फटाफट चढ़ने लगी और उसे वो बहुत ज़्यादा इंजॉय की, बहुत अच्छा उसे लगा। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में गए। उसके बाद मैं उसे लेकर आई थी जंपिंग में, जहाँ पे बड़े बड़े बच्चे थे। उसने कहा मामा मेरे को इंस्टेंट जाना है, तुरंत जाना है। उसके बाद वहाँ पे जंपिंग में जाने के बाद वो थोड़ा सा भी नहीं रुकी, 5 मिनट के बाद खुद ही निकल गई, मामा मेरे को नहीं आ रहा है, मुझे निकलना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बच्चे थे, वो खड़ा ही नहीं हो सक रही थी। और उसके बाद हम लोगों ने आया इस साइड पर, जो कि पता नहीं इसे क्या नाम है इसका, लेकिन यहाँ पे भी मैं जब भी निगम पार्क आती ना तो ये वाला मैं जरूर इंजॉय करती हूँ, क्योंकि सारे तो छोटे बच्चे लोग के लिए, लेकिन एक दो झूला ऐसा है जिसमें बड़े लोग भी इंजॉय कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसमें बैठा और ये थोड़ा फास्ट कर दिए थे भैया, तो बहुत मज़ा आया। और इसके बाद पीयू को आना था डक में, तो देखिए यहाँ पे भी डक में भी बैठने के बाद ना बस 5 मिनट में ये बोलने लगी मामा मेरे को उतरना है। तो फिर इसने भी वो थोड़ा सा एंजॉय किया और वापस वो आ गई है मिकी माउस में। और मिकी माउस में आने के बाद फिर वो अपने स्टार्ट हो गई, कब से आवाज़ दे रही हूँ चलो बेटा नेक्स्ट में चलते, लेकिन उसे जाना ही नहीं था। मतलब मेरे तरफ वो देख ही नहीं रही थी, सुन ही नहीं थी कोई बात। आप देख सकते कितना जंप कर रही थी, इंजॉय कर रही थी। मैंने नेहा सुना, मैं सना को कहा कि जाओ तुम लोग सेल्फी वगैरह ले लो, क्योंकि पीयू तो छोड़ने वाली आज है, नहीं टाइम नहीं देगी। तो देखिए मैं पीयू को झूला झूला रही और वो बोल रही है मम्मा और तेज और तेज और तेज, बस वो बोली जा रही थी। उसके बाद हम लोगों ने एक और राइड इन्जॉय किया, जिसे आई थिंक नाउ राइड बोलते हैं। सो यहाँ पे तो इतना ज़्यादा गुदगुदी हो रहा था और बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग बहुत इन्जॉय किए। और यहाँ ये वाला झूला में हम लोग 4 बार झूले रहे, मतलब 4 बार हम लोग टिकट करवाए, क्योंकि पीयू को ना इस उतरने का मन ही नहीं करा। तो वो बार बार बोलती थी मामा एक बार और एक बार और एक बार, और हम लोग को भी मन था तो हम लोगों ने इसमें भी इंजॉय किया और बहुत 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 मज़ा किया। सो गाइज आई होप कि मेरी ब्लॉग आप सभी को पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से एंड सब्सक्राइब करें। और अब हम लोग निकल गए हैं घर के लिए, क्योंकि अब हो गई थी काफ़ी लेट तो हमें घर जाना था। और उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल गए हैं। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कैब और पीयू को देखिए गाइज तो मैंने पीयू को गोद में उठा लिया, क्योंकि रोड में मुझे बहुत डर लगता है बच्चे को ऐसे छोड़ना, और ये अक्सर हाथ छोड़ देती है, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था तो मैंने इसे गोद में उठा लिया। गाइस अब हम लोग घर जा रहे हैं और पीहू का टैंट्रम चालू है। सो गाइस मैं मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।